हे फ्रेंड्स, क्या आप एक कंटेंट क्रिएटर हो या फिर यूट्यूब पे आप लगातार वीडियोस बनाते हो? अगर आपके चैनल पे या फिर आपके कंटेंट पे कोई भी अगर कॉपीराइट स्ट्राइक आया है तो ये वीडियो आगे आप देखते जाइए। मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कैसे आपके कंटेंट से कॉपीराइट का क्लेम हटाया जाए। तो इस वीडियो को प्लीज़ आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ इसी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को बता देता हूँ कि दोस्तों, कई बार हम यूज़ कर लेते हैं बॉलीवुड सॉन्ग वगैरह या फिर कॉपीराइट कुछ पिक्चर्स जैसे वीडियोस थोड़ा सा काट करके हम लगा देते हैं अपने वीडियोस पे। तो इसी में हमें नोटिस किया जाता है यूट्यूब के तरफ से कि आपके कंटेंट पे कॉपीराइट मिला हुआ है। अगर आप इसे डिलीट नहीं किया तो जिसका ये चीज़ आपने यूज़ कर रहे हो अपने कंटेंट पे, वो आपको स्ट्राइक मार सकता है। जी हाँ दोस्तों, स्ट्राइक मारने से क्या होता है, अगर एक महीने में 3 स्ट्राइक आ गया कॉपीराइट का तो यूट्यूब से आपका चैनल हमेशा के लिए टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसी बात का ध्यान में रखते हुए मैंने सोचा कि आज एक वीडियो बना दूँ कि कैसे हमारे चैनल पे या फिर कंटेंट पे लगे स्ट्राइक को हम कैसे रिमूव कर सके। तो इसीलिए मैं ये वीडियो आपके लिए सामने पेश किया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं स्क्रीन पे, एंड तक यार जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप अपने यूसी ब्राउजर पेज ओपन कर लीजिए, ऐप ओपन कर लीजिए और वहाँ पर आपको यूट्यूब ओपन करना है। YouTube ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखेगा YouTube पे, जो इसे डेस्कटॉप मोड पे लेना है। ऊपर जो 3 डॉट दिख रहा है उसे आप क्लिक कर लीजिएगा। क्लिक करके इसे डेस्कटॉप मोड पे, जी हाँ ये जो डेस्कटॉप लिखा हुआ है इसी पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आप सीधा YouTube के डेस्कटॉप मोड पे चले जाएंगे, जो YouTube के इंटरफेस कुछ इस तरह से होगा। आपका अकाउंट लॉगिन होना चाहिए। तो दोस्तों, आ गए हम YouTube पे। तो यहाँ पे हमें ओपन करना है अभी क्रिएटर स्टूडियो पे। जी हाँ दोस्तों, आपका जो चैनल का लोगो है वो वहाँ पे आप क्लिक कीजिए और उसके बाद आप सीधा चले जाएंगे अपने क्रिएटर स्टूडियो पे। जैसे आप क्रिएटर स्टूडियो पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। आपका अपना डैशबोर्ड ओपन हो गया है और उसके बाद आपको जाना है वीडियो मैनेजर पे। वीडियो मैनेजर पे जैसे ही आप पहुँचोगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जो कि जितना भी आपका वीडियो से यहाँ पे आपका शो करेगा। और उसके बाद आपको जाना है आपके जो वीडियो पे कॉपीराइट स्ट्राइक आया है उसी वीडियो पे आपको जाना होगा। जैसे ही आप उस वीडियो पे क्लिक करोगे, जी हाँ ये देख सकते हो आप, ये मेरा कॉपीराइट वाला वीडियो है। तो यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ वीडियो पे। तो क्लिक करते ही मैं चला गया अपने जो मुझे YouTube की तरफ से कॉपीराइट स्ट्राइक मारा था, वो डिटेल्स आपको पूरा यहाँ पे दिखाई देगा किसने आपको कॉपीराइट क्लेम किया था। तो सबसे पहला काम आपको ऊपर जो URL होता है, जी हाँ ऊपर यहाँ पे आप क्लिक कर लीजिएगा और पूरा का पूरा URL आप कॉपी कर लीजिएगा कुछ इस तरह से। जी हाँ, कॉपी ऑल करने के बाद आपको सीधा जाना पड़ेगा आपके नोट पे। तो दोस्तों, मैंने ये नोट पे लिखने से बहुत ही अच्छा होता है, बार बार आपको मिनिमाइज करके रिटर्न नहीं जाना पड़ेगा। तो अगर आप ये चाहते हो कि मैं ये आपको दे दूँ तो प्लीज़ आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो ये मैंने लिखा हुआ है, तो यहाँ से आप सीधा कॉपी कर सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो वीडियो टाइटल और वीडियो URL। जी हाँ, पहले आप जो कॉपी किए हो उसे यहाँ पे पेस्ट कर देना है वीडियो URL, और उसके बाद जो दिखा रहा है रिगार्डेड योर नेम, तो नेम की जगह आपको लिखना है अपना नाम। तो मैं अपना नाम लिख देता हूँ और उसके बाद सीधा आपको जाना है YouTube पे। कुछ इस तरह का आएगा आपको और सीधा आप जाएंगे YouTube पे, मिनिमाइज से होकर YouTube पे। तो वहाँ पे जाके दोस्तों आपको करना क्या है, टाइटल को कॉपी करना है। जी हाँ, टाइटल कुछ इस तरह से आप कॉपी कर लीजिएगा, कॉपी टेक्स्ट पे क्लिक करके आप कॉपी कर लीजिएगा। कॉपी करने के बाद आप फिर से नोट पे चला जाइए। नोट पे चला जाने के बाद आपको जहाँ पे वीडियो टाइटल लिखा हुआ है आप उसको एडिट करके वीडियो टाइटल वहाँ पे पेस्ट कर देना है कुछ इस तरह से। ये हो गया पेस्ट। तो ये कम्प्लीटली आपको कॉपी कर लेना है, जितना भी लिखा हुआ है इसे आप कॉपी कर सकते हो। कॉपी करके आप सीधा YouTube पे चला जाइए, YouTube पेज पे, जो आपका जो अकाउंट खुला हुआ है YouTube के, तो आप YouTube पे चला जाइए सीधा। तो YouTube पे जाने के बाद आपको
ये इंटरफेस मिलेगा जो नीचे दिया हुआ है किसने आपको स्ट्राइक मारा है। आप नीचे देख सकते हो, ये जो हरा रंग का ग्रीन वाला लेटर लिखा हुआ है इसी पे आप क्लिक कर लीजिएगा, और आप चाहे तो इसे पढ़ भी सकते हो किस कंपनी ने आपको किस तरह का क्लेम किया है, और यहाँ पे पॉलिसी वगैरह लिखा हुआ है। वहाँ पे क्लिक करने से आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस मिलेगा, और यहाँ पे आपको क्लिक करना है इफ़ यू रिमूव ए वीडियो। तो यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। जैसे ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, देखिए आप यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है सबमिट योर रिएक्शंस टू कॉपीराइट, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका सीधा जीमेल ओपन हो जाएगा। कुछ इस तरह का जीमेल का इंटरफेस ओपन हो गया है। तो यहाँ पे जो आपने पिछले नोट से कॉपी किए थे उसे आपको पेस्ट कर देना है कॉम्पस मेल पे। जी हाँ, पेस्ट कर देना है, और सब्जेक्ट पे कुछ लिखना है तो लिख लीजिएगा। तो ये आपका जीमेल हो गया, और ये आपका पूरा कॉम्पस मेल हो गया। तो यहाँ पे सेंड पे क्लिक करके आप सेंड कर लीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको थोड़ी सी जानकारी दे पाया होगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। अगर आपने वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया तो प्लीज़ लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ यार नीचे कॉमेंट कर लीजिएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार आप लोगों से विनती है, मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं आप लोगों के साथ कुछ समय बिता सकूँ। आप लोग मुझे हौसला दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।